बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमारा इंटरव्यू का जो है वो सेशन नंबर 10 है, और इस सेशन के अंदर जो है हम वो पोल्ट्री साइंस को आज आखिरी टच देंगे, और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फार्म की मैनेजमेंट और हैचरी की मैनेजमेंट। अलोंग विद डैट हम कुछ वैक्सीनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि वैक्सीनेशन बेसिकली होती क्या है, इसका क्या प्रोटोकॉल है, ये किस तरह से वर्क करती है, इसके शेड्यूल्स क्या होते हैं वैक्सीनेशन के। इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये वैक्सीन के हवाले से। पोल्ट्री के हवाले से तो चलें, हल्का सा पिछले लेक्चर में मैंने आपको टच दे दिया था कुछ इनकी जो है डिजीज़ का, उसमें दो तीन डिजीज़ मैंने कहा था इम्पोर्टेंट है जो हेल्थ में पूछी जाती हैं। वैसे अगर पोल्ट्री का इंटरव्यू होता PRA, फिर तो पोल्ट्री पे ही हम ज़्यादा मतलब वर्क करते, मतलब 4-5 सेशन भी पोल्ट्री पे किए जा सकते हैं। तो इसके अंदर आज हम जो है इसको बस ब्रीफली डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो वैक्सीन का है ना, जो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ होती है वैक्सीन के बारे में पूछा जाना, उसके ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे, और आखिर में हम कुछ जनरल नॉलेज की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम देखते हैं बायोसिक्योरिटी, और बायोसिक्योरिटी और सैनिटेशन जो है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है फॉर द बर्ड्स एंड फॉर द एनिमल्स। हम जो लाइव स्टॉक फार्म होते हैं उसके अंदर भी बायोसिक्योरिटी का जो है वो एनिमल हेल्थ के हवाले से तो बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक्सटेंशन के हवाले से भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो मुझे कौन बताना चाहेगा कि बायोसिक्योरिटी क्या होती है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाले अहमद फयाज बताना चाहेंगे जी। सर बायोसिक्योरिटी जो है ना, ये तमाम मेजर्स हैं और एक्टिविटीज़ हैं जिनकी मदद से हम अपने फार्म को जो है ना डिजीज से बचा सकते हैं। ठीक है, इसमें हम कौन कौन सी मेजर करते हैं पोल्ट्री फार्म को डिजीज से बचाने के लिए? जी सर, आवाज़ सर कट गई। जी, मैं कह रहा था इसमें बायोसिक्योरिटी में हम क्या क्या मेजर्स कर सकते हैं फार्म को डिजीज से बचाने के लिए। एक फार्म को डिजीज से बचाना है तो हमें किन मेजर्स को मद्देनजर रखना होगा? सर सबसे पहले तो है जो है ना सर, वहाँ पे हम जो एंट्री है सर उसको कंट्रोल करेंगे कि हर बंदा ही ना आए, और अगर डिजीज कहीं से इलाके में आ जाए तो हम जो है वहाँ ख्याल करेंगे कोई डॉक्टर्स वगैरह या जो इस तरह का एजेंट ना है डिजीज जिसके जरिए आ सकती है। व्हीकल्स को जो है वो करेंगे वहाँ पे चूना वगैरह एंट्री पे व्हीकल पे डालेंगे। चूना लगाया करेंगे। जी सर, जो है ना सर, उनके वैसे टायर्स सम वगैरह। टाइम हम इंसानों को भी चूना लगा देते हैं वैसे। जी सर, सर मजीद आप इलेबोरेट कर दें सर इसको। अच्छा, मैं तो लेबोरेट इसको करूंगा ही तो। नहीं, और क्या मैयर कर सकते हैं कि चलें कुछ तो हम चीजों को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे ना बायोसिक्योरिटी में। हम रोडेंट्स की एंट्री, जो ये जो होते हैं कुछ परिंदे वगैरह करीब हैं, कुछ दरख्त अगर करीब हैं जिनके ऊपर आके बर्ड्स जो हैं वो ड्रॉपिंग्स करते हैं और वो कैरियर बन सकते हैं, उन दरख्तों को काटा जा सकता है, कोई रोडेंट्स की एंट्री को बंद किया जा सकता है। ये जिस तरह केनाइन वगैरह होते हैं, फेलाइन, कुत्ते बिल्लियां, ये ना आ सकें। इंसानों की भी चलो रिस्ट्रिक्शंस हम लगा देंगे, लेकिन डेफिनेटली कुछ अमला वहां पे मौजूद है उसको भी आना पड़ेगा। किसी डॉक्टर को आपने विजिट पे बुलाना है, कोई अगर बीमारी आई हुई है तो उसने तो डेफिनेटली आना है वहां पे। तो उसको किस तरह से आप चूना लगाएंगे, मतलब कि उसको सर हाइजीनिक मेजर्स करेंगे ना सर, उनके हैंड्स वगैरह वॉश होने चाहिए, हाँ, और मैं क्लॉथिंग जो है बेसिकली यही वो आपसे वहीं पे पूछना चाह रहा हूँ कि किस चीज से आप वॉश करवाएंगे। डिटॉल वगैरह। डेटोल वगैरह से कोई खास किस्म का कोई सोल्यूशन या डिपिंग के लिए स्टार्ट में गाड़ी, जैसे आपने कभी कोई विजिट किया है आपने पोल्ट्री फार्म? जी सर, इधर है एक, उन्होंने कोई हाँ खास तो इस वो, तरह का नहीं बनाया हो, बस हाँ कंट्रोल जी, शेड सर, कंट्रोल कंट्रोल शेड। शेड। तो वो हम देखते हैं ब्रीडर वगैरह पे ज्यादा मैयर्स होती हैं, जैसे गाड़ी एंटर होती है तो डिपिंग वाला पॉइंट होता है, उसके अंदर जो है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस डाले जाते हैं,
इसके अलावा फिर आगे जब जाते हैं तो समटाइम तो कपड़े भी चेंज करवा दिए जाते हैं, दूसरी वर्दी दे दी जाती है पहनने के लिए, शूज, बल्कि नहलाया भी जाता है समटाइम सर्दियों में भी, इवन के गर्म पानी के साथ। और फिर एक हिस्सा होता है ऑफिसेज वगैरह का, और उसके बाद फॉर्म वाला हिस्सा होता है, इस तरह से कुछ होते हैं। अच्छा, कोई और मुझे इसका तसल्ली बख्श जवाब दे, व्हाट आर बायोसिक्योरिटी और इसको जो है क्या मैयर्स अडॉप्ट की जाती हैं फॉर्म के ऊपर इसके लिए? सर, बायोसिक्योरिटी रेफर्स टू डिफरेंट मेजर्स एम टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इनटू द फार्म दैट कैन बी एट मेनी लेवल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट एट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फार्म। कंस्ट्रक्शन ऑफ द फार्म शुड बी इन एरिया दैट देर इज नो अदर फार्म इन द नियरेस्ट प्रिमिसेस और टू ऑफ दैट फार्म। सेकेंडली, देर शुड बी प्रॉपर कंट्रोल ऑफ there should be proper control of feline and canine entry, and no vegetation or no trees should be around the nearest premises of the farm that different birds from bring pathogenic organism to that area. Secondly, any outside visitor must be dealt with strict biosecurity measures that includes hand sanitization and removal of the cloths and new matlab apron should be wear and formalin dip should be used and formalin dip ki aapka baat kar rahe hain KMNO4 ka bhi jo hai preparation use ho jati hain formalin dip bhi use ho jati hai iske alawa kuch preparations aati hain ICI wagaira ki या डिफरेंट कंपनीज की एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस वो भी यूज हो जाते हैं, डिटोल भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा सर, वर्कर्स शुड नॉट अलाउ टू लेफ्ट द फार्म विदाउट एनी इमरजेंसी। इफ वर्क आफ्टर मतलब एग्जिट, वर्कर शुड बी इंटर फार्म विद द सेम प्रोटोकॉल एज सम एक्सोजेनस पीपल इज एंटरिंग इन द फार्म एंड no free movement of vehicles and other utensils should be made with other farms. Very good, very good. तो इसके अंदर आपने शुरू के अंदर एक बात की कि सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन को देखते हैं और ये देखते हैं कि जहां पे हमने फॉर्म बनाना है उसके इर्द गिर्द कोई फॉर्म ना मौजूद हो, तो बेसिकली दो फॉर्म्स के दरमियान कितना फासला होना चाहिए? सर, ब्रॉयलर फार्म के दरमियान 1 किलोमीटर, ब्रॉयलर लेयर फार्म के दरमियान 2 किलोमीटर एंड ब्रीडर फार्म के दरमियान 3 किलोमीटर। ठीक हो गया। ये आपने कहां से पढ़ी है मेजरमेंट? ये हमारे जो नोट्स है ना बायोसिक्योरिटी के, मतलब उसमें पैथोलॉजी एमफिल में, उनमें था ये, मुझे ये फिगर अभी तक याद है। गुड, और मुझे ये बताएं कि ब्रायलर फार्म एक जगह पे है, एक ही बंदे का है, तो दो शेड हैं, उसके दो शेडों के दरमियान कितना फासला होना चाहिए? सर, ये मतलब नॉट स्पेसिफिक, ये तो डिपेंड करता है बंदे की पास उधर जगह, ये साइंटिफिकली इसका मुझे सर आंसर नहीं है। 100 मीटर। 100 मीटर, थैंक यू सर। वैसे जो आमने सामने होंगे, पैरेलल होंगे, उनका 100 मीटर वैसे तो ऊपर नीचे भी बना दिए जाते हैं। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, और कोई मुझे इसका, वैसे आसिफ जो आपने अच्छा आंसर दिया है, कोई दोबारा से अपने इसको थोड़ा सा पैराफ्रेज करके अपने स्टाइल में इसका जवाब देना चाहे कि बायोसिक्योरिटी मेजर्स क्या होती हैं और ये हम कौन सी मेजर्स जो हैं फॉर्म्स के लिए अडॉप्ट करते हैं बायोसिक्योरिटी मेजर्स? जी, इसका आंसर आप में से कोई बताना पसंद करेगा? नदीम खालिद या उसामा सलीम? सर, बायोसिक्योरिटी में मजीद कुछ पॉइंट्स मेरे माइंड में आ रहे हैं। जी बताएं सर। बायोसिक्योरिटी में फीड की जो है ना वो भी साफ सुथरी होनी चाहिए, उसमें भी कोई कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए, वाटर को भी देखना चाहिए और जो वाटर चैनल है सर उनको भी ये क्लोरीन वगैरह के जरिए वो साफ करने चाहिए। बिल्कुल, और सर एयर की फ्यूमिगेशन भी बहुत जरूरी है सर शेड की।
शेड की फ्यूमिगेशन, जैसे ही एक फ्लॉक जो है वो फ्री होता है तो उसके बाद उसको फ्यूमिगेशन की जाए, साफ सुथरा किया जाए, राइट। अगर हम एक फ्लॉक स्टार्ट करने से स्टार्ट करें तो पहले फॉर्म की आप फ्यूमिगेशन करेंगे, सारी ये क्लोरीनेशन वगैरह की जाएगी नालियों की, जो ड्रिंकर्स वगैरह होती हैं, फीड को भी साफ सुथरा होना चाहिए, फीड रूम में देखना चाहिए कोई रोडेंट्स वगैरह ये मौजूद तो नहीं है। ठीक है, ये भी अच्छे पॉइंट है, गुड। और प्रॉपर सर ये वेंटिलेशन जो भी। एक शेड के वर्कर्स हैं उनको दूसरे शेड में जाना लो नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया, चलें, ये तो हो गया जी बायो सिक्योरिटी के बारे में। इससे आगे जो है नेक्स्ट हम देख लेते हैं हैचरी मैनेजमेंट के बारे में, देख लेते हैं ब्रीफली इसको देखते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वो आपको इस तरफ नहीं लेके जाएंगे, हेल्थ का इंटरव्यू है। तो हैचरी के बारे में कोई मुझे मुख्तसर ये बता दे कि हैचरी में किन बातों को मद्देनजर मेनली रखना होता है, 4 से 5 जो मेन फैक्टर होते हैं और उनको कैसे मेंटेन किया जाता है, लेकिन अगर वो नोट्स पढ़े हों और देखा हो या पहले पता हो किसी को। यस सर, जी काशिफ बताएं जी, जो हैचरी है उसकी मैनेजमेंट के कौन से 3 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं जिनको हमने, जिनका ख्याल रखना होता है और मेंटेन सबसे करना होता मेन है। जो होता है वो है टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और हाँ एग जी टर्निंग रूटीनली, ये मेन ठीक है, है। बाकी इसके अलावा बाकी है, मैं एक दो मेरे ध्यान में नहीं आ रहे अभी इस वक्त। वेंटिलेशन होती है वो हाँ जो जी, गैसेज इधर वेंटिलेशन प्रोड्यूस हो और रही हैं। बाकी डिजीज कोई इस हवाले से हाइजेनिक मेजर्स हैं आई थिंक। हाइजेनिक मैयर सफाई सुई कर लेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना मेंटेन होना चाहिए हैचरी में? टेम्परेचर जो सेटर है उसका टेम्परेचर होता है 37.5 टू 37.2, और जो ठीक हैचर का होता है वो 36.2 टू 37.1 होता है आई थिंक। ठीक है, साथ में ना जब भी टेम्परेचर की बात किया करें तो जो जिस यूनिट में आप मैयर कर रहे हैं वो यूनिट लाजमी आपने मेंशन करना है, डिग्री सेंटीग्रेड में, सेंटीग्रेड, ठीक है, ये सेंटीग्रेड के अंदर है। और ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है, जो सेटर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो 60% होती है, और जो हैचर की होती है वो 70%। ठीक है, और टर्निंग टर्निंग सर जो रूटीनली करते हैं वो तो है, हैचर में जो है वो एवरी 1 आवर हम 45 डिग्री पे टर्न करते हैं, और वैसे जो सेटर में है उसका ये है कि आप डेली एटलीस्ट एक दफा जरूर करें। ठीक हो गया। और इसकी जो है बायोसिक्योरिटी मैयर वगैरह, कोई इसकी सफाई वगैरह का क्या निजाम होता है? सर इसका ये है कि जो एग्स हैं उनकी प्रॉपर सैनिटेशन होनी चाहिए, जो डर्टी एग्स हैं या क्रैक्स हैं उनमें या सैंड वगैरह है या एग शेल्स पुअर हैं तो उनको कल किया जाना चाहिए, और प्रॉपर जो क्लीन एग्स हैं तो वो मेन प्रेफरेंस होती है कि हैचरी में वो रखे जाएं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें थोड़ा सा हैचरी मैनेजमेंट को मैं, जैसा कि इन्होंने बताया, उनको अपने अल्फाज के अंदर जो है वो थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। हैचरी बेसिकली वो पॉइंट है जहाँ पे एग्स को आप हैंड से एग लेंगे और वहां पे हैचिंग करवाएंगे। ये एक जो है बिल्डिंग है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप की मशीन्स लगी हुई है। जो मशीन है यहाँ पे वो 2 तरह की होती हैं, एक को बोलते हैं सेटर मशीन और दूसरे को बोलते हैं हैचर मशीन। जो सेटर मशीन है उसमें अंडे ने 1 से 18 दिन जो है वो सेटर मशीन के अंदर रहना है, और लास्ट जो 3 डेज हैं, अगर हम पोल्ट्री की बात करें, 21 दिन में अंडा हैच कर जाता है, 18 से 21 डे जो है वो हैचर के अंदर रहना होता है अंडे ने। अब जो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं हमने हैचरी के अंदर उनका ख्याल रखना होता है। एक चीज होती है सबसे पहले टेम्परेचर। टेम्परेचर जो सेटर का होता है वो स्लाइटली हायर होता है, शुरू में अंडे को ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है,
जो कि 37 to 37.5 तक आप इसकी रेंज कर लें। एग्जैक्टली ऊपर एक दो पॉइंट्स का फर्क होता है, वो इतना मैटर नहीं, आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि हैचर का ज्यादा होता है 37 to 37.5 के ऊपर। जो इसकी ह्यूमिडिटी होती है वो कम होती है 60% पे, यहाँ पे ह्यूमिडिटी की कम जरूरत है, और जो टर्निंग का एंगल है वो 45 degree होता है, 45 degree, ठीक है, और ये सेंटीग्रेड के अंदर टेम्परेचर है। 18 दिन जो है सेटर के अंदर अंडा रहता है, उसके बाद हैचर में उसको शिफ्ट किया जाता है, और सम टाइम हैचर में शिफ्ट करने से पहले इन ओवो वैक्सीनेशन भी कर दी जाती है। ये एक पेपर में क्वेश्चन भी आया था कि इन ओवो वैक्सीनेशन कब की जाती है हैचरी में, आपके 2021 में गालबन आया था, तो 18वें दिन के ऊपर ये की जाती है, जब अंडे को शिफ्ट किया जा रहा है सेटर से हैचर में, तो एग के अंदर वैक्सीन लगा दी जाएगी, इसको इन ओवो वैक्सीन बोला जाता है। आमतौर पर मीरक्स की वैक्सीन जो है, मीरक्स डिजीज की वैक्सीन जो है वो की जाती है। अब हैचर के अंदर बेसिकली अंडे ने हैच करना है, तो इसके अंदर टेम्परेचर स्लाइटली लोअर होता है, 36.5 to 37 आप लगा लें टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड, और ह्यूमिडिटी की ज्यादा जरूरत होती है, अंडे ने जो है वो हैच करना है, चूजे ने बाहर निकलना है, उसको ह्यूमिडिटी चाहिए होगी, तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी जो है वो 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है 70% होती है, ठीक है जी। और उसके बाद जो टर्निंग का एंगल है वो 45 degree होता है, और इधर जो है ज्यादा टर्निंग की जाती है आफ्टर एवरी 1 hour या एटलीस्ट 6 to 7 times अ डे एटलीस्ट, और ये इसलिए की जाती है ताकि जो है चीजें स्टिक ना कर जाए एग के अंदर, जो पॉइंट है उसको टर्निंग जो है एग के अंदर, एक ही तरफ सारा जो अंदर मटेरियल मौजूद है एग के अंदर, सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो एमनियोटिक जो अंदर उसकी डिफरेंट लेयर्स वगैरह हैं, अंदर योक है, वो एक तरफ ही सारी ना जुड़ जाए, तो फिर ये टर्निंग जो है वो लाजमी होती है। ये जी ब्रीफ सा एक पॉइंट है जो आपने हैचरी के मुतालिक याद रखने हैं, कि हमने हैचरी में दो मशीनें होती हैं, सेटर और हैचर, उनका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को आपने एक जेन में रख लेना है, और सेटर में 18 दिन अंडा रहता है और हैचर में 3 दिन अंडा रहता है, ठीक है जी। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं पोल्ट्री फार्म की मैनेजमेंट की। सर इसमें कैंडलिंग भी करते होते हैं डे 7 पे और एक दफा मेंटल शिफ्ट करने से? हाँ जी, कैंडलिंग भी की जाती है, उसके अंदर हम ये देख लेते हैं कि कोई एम्ब्रियो डेड तो नहीं है अंदर, कि अब ऐसे ही हम अगली मशीन के अंदर जो है एग्स को ले जाएं, तो वो कैंडलिंग की जाती है। कैंडलिंग वो प्रोसेस है जिसमें लाइट के जरिए चेक किया जाता है अंडे के अंदर एम्ब्रियो ठीक है कि नहीं, या कोई क्रैक वगैरह तो नहीं है उसमें, ब्लड स्पॉट वगैरह तो नहीं है, तो वो भी की जाती है। सर कैंडलिंग के कौन से दिन पे करते हैं? 7 days के ऊपर की जाती है, और इसके बाद अगर इसको जब हम शिफ्ट करने जा रहे हैं कि कोई मर वगैरह तो नहीं गया, तब भी की जा सकती है, 2 times की जा सकती है कैंडलिंग। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीज जो है वो फार्म मैनेजमेंट के ऊपर। तो फार्म जो है बेसिकली पोल्ट्री की अगर बात कर लें तो 3 types के फार्म बन जाएंगे, ब्रॉयलर, लेयर, 4 types के बल्कि हो गए, लेयर, ब्रीडर, और ब्रीडर के भी जो माँ बाप हैं ग्रैंड पेरेंट जीपी, 4 types के ये हो जाते हैं। ग्रैंड पेरेंट जो हैं वो ब्रीडर पैदा करते हैं, ब्रीडर जो है आगे या उसमें से लेयर निकलेगी या उसमें से ब्रायलर निकलेगी। ब्रीडर 2 types का होता है, ब्रीडर होगा माँ बाप और ग्रैंड पेरेंट होंगे दादा दादा दादी। ब्रीडर जो है माँ बाप हैं वो लेयर या ब्रायलर के, अब हमें लेयर का चूजा चाहिए अपने फार्म पे या ब्रायलर का चूजा चाहिए, हम कौन सी फार्मिंग करना चाह रहे हैं, तो हम मुतलका जो है वो ब्रीडर का अंडा लेंगे, लेयर ब्रीडर का या ब्रायलर ब्रीडर का। मोस्टली अगर इसकी मैनेजमेंट के अंदर अगर हम जाएं तो वो तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, कि अगर हम अलग-अलग हर किसी की मैनेजमेंट नोट करें, ब्रायलर की अलग नोट करें, लेयर की अलग नोट करें, तो हम बेसिक यूनिट एक ब्रायलर को अगर जहन में रख लें और उसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लें, तो वो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर है। तो जो मेन चीजें हैं ब्रायलर के लिए भी, सबसे पहले जहरी बात है शेड की तैयारी, पिछला फ्लॉक अगर निकला है तो फ्यूमिगेशन वगैरह की जाएगी, शेड को तैयार किया जाएगा, नीचे जो है वो बेडिंग मटेरियल बिछा दिया जाएगा,
बेडिंग मटेरियल बचा देने के बाद उधर का टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा फार्म का. फार्म का टेम्परेचर जब चूजे का अराइवल होना है तो कितना होना चाहिए, कोई बता सकता है? 32 डिग्री फारेनहाइट होना चाहिए. और फिर सर इसको पर वीक 5 फारेनहाइट काम करते हैं टिल ये हो जाए 70. एक तरीका कार है हम इसको फारेनहाइट में मेजर कर लें, 95 डिग्री फारेनहाइट जो है वो ये हम स्टार्ट के अंदर देते हैं और 5 डिग्री फारेनहाइट हर हफ्ते कम करते जाते हैं अंटिल ये 70 डिग्री फारेनहाइट के ऊपर मेंटेन हो जाए. दूसरा आमतौर पे जो ये लिटरेचर के थ्रू है जो हम फार्म के ऊपर देखते हैं ये वो हम 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं स्टार्ट में और उसको जो है ग्रेजुअली जो है कम करते जाते हैं. 1 वीक के बाद इसको 30 पे ले आएंगे, उसके बाद इसको जो है 27-28 पे ले आएंगे, फिर इस तरह इसको हम नीचे लेते आते हैं. इस तरह मेन जो चीजें हैं वो पहली चीज आ जाती है टेम्परेचर को मेंटेन करना, सेकंड चीज आ जाती है ह्यूमिडिटी को मेंटेन करना. ह्यूमिडिटी कोई बता सकता है ब्रॉयलर फार्म की कितनी रखनी चाहिए? 65% टू बी आइडियल. ठीक हो गया. जो ब्रॉयलर फार्म की ह्यूमिडिटी है उसको हमने 65% रखना होता है, ठीक है जी. और ह्यूमिडिटी के बाद सेकंड थर्ड जो चीज आ जाती है वो आ जाती है वेंटिलेशन. वेंटिलेशन की कोई मुझे टाइप्स बता सकता है ब्रॉयलर के अंदर या ओवरऑल जो है फार्मिंग के अंदर? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर. तीन तरह की जो है वेंटिलेशन होती है मेनली. जी जी, समर वेंटिलेशन, विंटर वेंटिलेशन और एक ट्रांजिशनल वेंटिलेशन आ रही है. ठीक हो गया. समर वेंटिलेशन में ये होता है कि वेंट भी ओपन होते हैं और फैन भी चल रहे होते हैं, पैड भी चल रहे होते हैं. ठीक है. और विंटर में ये होता है कि सिर्फ जो है वेंट ओपन होते हैं और फैन वगैरह नहीं चल रहे होते, उन्होंने पैड्स को भी कवर किया होता है. ठीक है. ट्रांजिशन आ जाती है जो चेंज हो रहा होता है ना टेम्परेचर, तब आ जाती है जिसमें पैड चल नहीं रहे होते एज इट इज. और वेंट की भी, वेंट और वेंट भी मोस्टली क्लोज ही होते हैं, सिर्फ वो चल रहे होते हैं, फैन चल रहे होते हैं वो भी कम कम. फैन के साथ जो है हम वेंट को सम टाइम ओपन कर लेते हैं क्योंकि जाहिर बात है फैन ने चलना है तो उसने कोई चीजों को बाहर खींचना है ना, तो वो बाहर किस तरह फार्म से कोई चीज निकलेगी, एंटर एयर होगी तो कोई बाहर निकलेगी ना, तो हम वो वेंट के थ्रू भी कर लेते हैं. ठीक है, बस इसमें इतना ही आपने याद रखना है. तीन तरह की वेंटिलेशन होती है, समर वेंटिलेशन, विंटर वेंटिलेशन और ट्रांजिशनल. समर वेंटिलेशन जब फुल गर्मियों का मौसम है समर वेंटिलेशन की जाएगी, पैड भी चल रहे हैं, एक तरफ कंट्रोल शेड के पैड होते हैं दूसरी तरफ फैन होते हैं. ठीक है, पैड भी चल रहे हैं और फैन भी चल रहे हैं. विंटर के अंदर जहरी बात है कि टेम्परेचर को आपने मेंटेन करना है, आपको पैड चलाने की तो जरूरत नहीं है कि उसके ऊपर पानी डले और वो जस्ट लाइक कूलर वाला मोल बन जाए, ठंडा मोल बन जाए, आपने इसको गर्म रखना है. लेकिन चूंकि अंदर गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं उनको आपने बाहर भी निकालना है, तो इसके अंदर जो है वेंट को ओपन कर दिया जाता है और वेंट के थ्रू जो है वो कुछ फैंस को जो साइड फैंस होते हैं उनको कर लिया जाता है, चला दिया जाता है और थोड़ा टाइम वगैरह सेट कर दिया जाता है, वहां से ये निकलती रहती है. ट्रांजिशनल आमतौर पे वो मौसम जो ठंडा गर्म मिक्स होता है या सुबह के टाइम जो है ठंड गर्मी है, शाम के टाइम ठंडी होगी, तो फिर हम ट्रांजिशनल वेंटिलेशन को तब जो है वो प्रेफर करते हैं. ट्रांजिशनल के अंदर कुछ टाइम के लिए हम जो है वो पैड को चला भी सकते हैं. ये ट्रांजिशनल दरमियाना किस्म का एक माहौल होता है, इसमें एडजस्ट करना पड़ता है. सुबह के टाइम किसी और तरह वेंटिलेशन कंट्रोल आप कर रहे होते हैं, शाम के टाइम जब थोड़ा सा ठंडा वाला माहौल हो जाता है उस टाइम किसी और तरह से कंट्रोल कर रहे होते हैं. तो ये जो है जी इसकी वेंटिलेशन हो जाती है फार्म की. डिस्टेंस के हवाले से आप लोगों ने मतलब देख लिया कि फार्म मैनेजमेंट के अंदर बायोसिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर आपने जो है फार्म का डिस्टेंस भी देखना है. दो ब्रॉयलर फार्म के दरमियान 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, ब्रायलर और लेयर फार्म के दरमियान 2 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए और ब्रीडर और ब्रायलर फार्म के दरमियान 3 किलोमीटर का डिफरेंस होना चाहिए और ब्रीडर और ब्रीडर फार्म के दरमियान 5 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए. ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू आपने फार्म को देखना होता है.
ये बस हमने पोल्ट्री को मेनली हल्का सा हैचरी मैनेजमेंट और हल्का सा फार्म मैनेजमेंट के, चले अगर वो क्वेश्चन पूछ भी लें तो आप कोई ना कोई आंसर करने के वहां पे काबिल हो, आपको थोड़ा बहुत पता हो हैचरी क्या होती है, फार्म क्या होती है, और उधर इन तीन चार फैक्टर्स को मद्देनजर रखा जाता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वेंटिलेशन, बायोसिक्योरिटी, ठीक है, फीडिंग और वाटरिंग, इन चीजों को मेनली कवर किया जाता है। अब बात आ जाती है वैक्सीनेशन पे, जो कि बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसके अंदर आप लोगों से वो जो है वैक्सीनेशन के बारे में पूछ सकता है, डिफरेंट जो है इनकी वैक्सीनेशन की टाइप्स के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, वैक्सीनेशन की टाइप्स क्या होती हैं, टनल वेंटिलेशन, ये भी मेरे ख्याल समर को कहते हैं, ये दूसरा नाम है उसका समर का, और हाउ वैक्सीन वर्क, वैक्सीन जो है उसका वर्क करने का क्या तरीका कार है, वैक्सीन में कौन कौन से एडजुवेंट्स यूज होते हैं, एडजुवेंट होता क्या है, और उसके बाद फिर कुछ ये वैक्सीन के बारे में चीजें हो जाती हैं, और फिर ये आ जाता है वैक्सीनेशन शेड्यूल्स। वैक्सीनेशन शेड्यूल जो है वो लार्ज रूमिनेंट के, कैटल बफलो के आपने याद करने होते हैं, शीप गोट, स्मॉल रूमिनेंट के आपने याद करने होते हैं, कैट डॉग उसका आपने याद करना होता है, फिर जो है ब्रायलर लेयर ब्रीडर, इनके आपने वैक्सीनेशन शेड्यूल याद करने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैक्सीनेशन, क्योंकि मेन जो काम है वो एक तो बीमारियों को कैसे काबू करना है फील्ड में, और दूसरे नंबर पे वैक्सीनेशन जो करवाई जानी है, यही जो मेन दो ड्यूटीज हैं, जो मोस्ट प्रेफरेबल ड्यूटीज हैं, वो ही होती हैं एक हेल्थ ऑफिसर की, और कुछ जो हैं वो ब्रीड्स के हवाले से होता है, वो ब्रीड्स भी हम किसी लेक्चर के अंदर उनको भी देखेंगे, ब्रीड्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुझे जो है कोई आप में से ये बताए कि व्हाट इज वैक्सीनेशन और इसकी डिफरेंट टाइप्स क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम काशिफ सर, इमरान बात कर रहा हूँ। इमरान शुक्र, इमरान जी। सर जो वैक्सीनेशन है ना, बेसिकली इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनोकुलेशन of the attenuated pathogen into the animal body for the purpose of immunity, for the production of antibodies, or जो इसकी type inoculation से आपकी क्या मुराद है सर, मतलब apply करना injectable या फिर कोई भी route जो होता है, inoculate का मतलब होता है basically apply, application। ठीक हो गया, तो दोबारा से definition बताइएगा। Basically, vaccination is a process in which the pathogen against which vaccination is to be done is inoculated in attenuated form in the organism to stimulate the production of antibodies against that pathogen। और मल्टीपल फॉर्म्स हैं वैक्सीन्स की, जिसमें हम बोले डेफिनेशन में तो आपने इसको महदूद कर दिया टिल अटेन्यूएटेड फॉर्म तक। ठीक हो गया सर, तो इसके लिए ये मैंने सर बेसिकली अटेन्यूएटेड का वर्ड पढ़ा था इसकी बुक में, तो आई एम नॉट श्योर कि आई हैव टू यूज इट और नॉट। कह सकते हैं आपकी क्या अटेन्यूएटेड फॉर्म, फिर आप जब इसकी टाइप्स में बताने जाएंगे तो मजीद उसको फिर क्लैरिफाई कर दें कि अटेन्यूएटेड फॉर्म है, किल्ड फॉर्म है, या जो जो टाइप है, इसकी टाइप्स बताइएगा वैक्सीनेशन की। सर किल्ड वैक्सीन भी होती है, उसके अलावा जो है अटेन्यूएटेड वैक्सीन भी होती है, लाइव वैक्सीन भी होती है, उसके बाद डीएनए बेस्ड या वेक्टर बेस्ड या रिकॉम्बिनेंट फॉर्म भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, और रिकॉम्बिनेंट फॉर्म में आगे तीन होती हैं, एक में हम प्रोटीन मॉलिक्यूल यूज कर रहे होते हैं, एक में हम जो है डीएनए यूज करते हैं, और एक और है वेक्टर बेस्ड होती है
ये ओवरऑल इसकी जो फॉर्म्स हैं ओवरऑल वैक्सीनेशन इस हम फॉर्म में यूज करें, और इसके साथ हमें कोई पैथोजन के साथ हमें कोई मोलिक्यूल यूज करना पड़ता है जो कि इसको एज अ कैरियर या इसकी एफिकेसी को बढ़ा सके, वो वाटर बेस हो सकती है, ऑयल बेस हो सकती है, उसको एडजुएंट बोलते हैं बेसिकली। तो एडजुएंट्स की मुझे कोई सी चार टाइप्स बताइएगा। एक तो सर वाटर वाटर बेस होता है, एक ऑयल बेस होता है, एक जेल बेस होता है, चौथी नहीं मुझे पता। जेल बेस आपने कभी देखी है या सुनी है? सर पढ़ी है ना, देखी है ना, सुनी है। जेल बेस आपने सुनी है। अच्छा, कोई और स्टूडेंट मुझे जो है वैक्सीन की टाइप्स इस हवाले से बताए, उसमें जो एडजुएंट्स यूज होते हैं कौन कौन से एडजुएंट्स यूज होते हैं? जी कोई बता सकता है? लेक्चर नहीं, आपने आज वैक्सीनेशन वाली एक फाइल मैंने शेयर की थी आप लोगों के साथ, उसको स्टडी नहीं किया आप लोगों ने? सर वाटर बेस होती है सर, ऑयल बेस और एलम, एलम प्रेसिपिटेटेड। जी सर ठीक हो गया। और मुझे ये बताएं वैक्सीनेशन की टाइप्स मुझे बताइएगा कौन कौन सी होती हैं। जी कोई स्टूडेंट मुझे वैक्सीनेशन की टाइप्स के बारे में बता सकता है? सर लाइव होती है, बिल्ड होती है, वेक्टर होती है, और टॉक्साइड होती है, और बैक्टेरिन होती है, कॉन्जुगेटेड होती है। तो ये टोटल टाइप्स, मतलब इसको टोटली सबसे पहले आप करेंगे लाइव वैक्सीन होती हैं, अटेन्यूएटेड होती हैं, किल्ड वैक्सीन होती हैं, कॉन्जुगेटेड होती हैं, ठीक है, डीएनए रिकम्बिनेंट होती हैं जो होती हैं, इसके अलावा बैक्टेरिन होती हैं, टॉक्साइड होती हैं, ये सात आठ इसकी जो है वो फॉर्म्स होती हैं। और अगर वैक्सीन की बात कर लें तो इसके अंदर जो सोल्यूशन यूज होता है उसको एडजुएंट बोला जाता है। एडजुएंट बेसिकली देखें, वैक्सीन तो थोड़े पार्ट में होगी ना, छोटा सा हिस्सा होगा जो फॉर एग्जांपल किल्ड अगर जो है वो हिस्सा है वायरस का, अब उस हिस्से को आपने जब आगे किसी एनिमल में ट्रांसफर करना है तो किसी मीडियम के थ्रू करना है। तो ये एक मीडियम होता है जो उस वैक्सीन में यूज होता है, ना सिर्फ वो उसमें यूज होता है एज ए कैरियर बल्कि उसकी जो है एफिकेसी को भी बढ़ा देता है। तो वो एडजुएंट जो है वाटर बेस हो सकता है, ऑयल बेस हो सकता है, अलम प्रेसिपिटेटेड हो सकता है, ठीक है, उसकी बेस से आप इसकी जो तैयारी होती है वैक्सीन की वो एक पूरी वाइल बन जाती है और उसके थ्रू जो है वो वैक्सीन आगे एनिमल के अंदर ट्रांसफर कर दी जाती है। तो अब मुझे कोई ये बताए कि हाउ वैक्सीन वर्क, वैक्सीन जब आप लगाते हैं किसी एनिमल को तो या बर्ड को देते हैं तो वो क्या तरीका कार है जिससे उसने अपनी प्रोग्रेस करनी होती है और काम करना होता है? सर जब वैक्सीन इंजेक्ट करते हैं ना सर, तो उस वक्त क्योंकि ये एंटीजन होते हैं, इन्होंने जाके थोड़ा सा इन्फेक्शन काज करना होता है सर, वहाँ पे फिर लिम्फोसाइट्स वगैरह आते हैं तो उसमें एंटीबॉडी प्रोडक्शन होती है और फिर इन्फेक्शन जो है वो एंटीबॉडीज जो है वो ख़त्म कर देते हैं और इसके नतीजे में सर मज़ीद जो है एंटीबॉडीज पैदा हो जाते हैं और इस तरह इम्यूनिटी जो है वो इन्हांस हो जाती है। अगली दफा जब हम असल में बैक्टीरिया आग फॉर एग्जाम्पल एक वायरस के अगेंस्ट हमने वैक्सीन कर दी, तो अगली दफा जब एक वायरस आएगा वही दोबारा, तो ऐसा क्या होगा कि वो बॉडी उस पर काबू पा लेगी? सर चूंकि उसमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो चुके हैं तो वो उसको वहीं किल कर देंगे और इन्फेक्शन काज ही नहीं करने देंगे। इसमें कोई मेमोरी सेल भी होते हैं? हाँ जी हाँ जी, सेल्स का रोल नहीं होता कोई? मेमोरी सेल होते हैं सर, जो उसको जो है ना वो मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं उस एंटीजन को, और नेक्स्ट टाइम जब वो तो उसके अगेंस्ट जो है ना वो एक तो प्रीफॉर्म एंटीबॉडीज होती हैं और दूसरा जो है वो रिस्पांस बड़ी जल्दी आ जाता है, बड़े रिस्पांस, क्योंकि बॉडी ने उसको याद कर लिया होता है, मेमोरी सेल्स ने उसको याद कर लिया होता है कि ये हमारे पास पहले भी आया था, इस तरह का स्ट्रक्चर कोई आया था,
तो मेमोरी सेल ने उसको बेसिकली याद किया होता है। अगली दफा जब वो इन्फेक्शन आता है तो हमारा जो बॉडी का रिस्पॉन्स है वो तेजी से क्विक रिस्पॉन्स उसको मिलता है बॉडी में। इसके अलावा एंटीबॉडीज भी मौजूद होती हैं जो उसके ऊपर काबू पा लेती हैं। अच्छा, दोबारा से जो है कोई और स्टूडेंट मुझे दोबारा इस बात का जवाब देगा, हाउ वैक्सीन वर्क्स। इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो ये होता है कि वैक्सीन जो है ना वो चूंकि ये वीकन या डेड जो है ना वो होते हैं, लेकिन इनमें कैपेसिटी होती है कि ये एज ए एंटीजन एक्ट कर सकते हैं। तो बॉडी के सेल जो एपीसी सेल होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, वो इनको जो है ना वो पहले तो इसको फैगोसाइटोस करते हैं। फिर इसकी बॉडी में सबसे पहले सब जब वैक्सीन लगेगी सबसे पहले बॉडी में क्या होगा? सबसे पहले सर तो वहां पे लिम्फोसाइट आएंगे, इनको इनगल्फ करेंगे और मैक्रोफेजेस इनको वो जो के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी हैं एपीसीज, तो वो इसको बॉडी में प्रेजेंट करेंगे। तो उसके अगेंस्ट पे टी लिम्फोसाइट्स, टी हेल्पर सेल्स आएंगे और जो बी सेल्स हैं वो अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देंगे और फिर जो मेमोरी सेल है टी मेमोरी सेल वो इसको अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेंगे। वेरी गुड, गुड हो गया। ठीक है, और आप बता दें सर इसको वैक्सीनेशन का। चले मैं आपको बता देता हूँ हाउ वैक्सीनेशन वर्क। वैक्सीनेशन जो है वो एक जो है वैक्सीनेशन फॉर्म है जो हम इनोकुलेट करते हैं, जो कि एंटीजन की सूरत में होती है और वो एंटीजन किसी भी बैक्टीरिया वायरस की अटेनुएटेड किल्ड लाइव या डिफरेंट किस्म की फॉर्म में मौजूद एक शक्ल हो सकती है, जिसका बेसिक पर्पज ये है कि उसने बॉडी के अंदर जाके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी है। अब जब हम वैक्सीन लगाते हैं तो सबसे पहले लिम्फोसाइट्स आते हैं। लिम्फोसाइट्स आके उसके साथ जो है फाइट करेंगे, क्योंकि बॉडी उसको ऐसे लेगी कि कोई एंटीजन मेरे अंदर, कोई फॉरन मटीरियल मेरे अंदर आया है। बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है, हमारे जो डिफेंडिंग सेल हैं, वो सबसे पहले लिम्फोसाइट्स आएंगे, उसके साथ वहां पे फाइट वगैरह करेंगे, उसको इनगल्फ करेंगे। उसके बाद हमारे जो सिस्टम है ये सेल्स वाला, टी सेल्स वाला, वो एक्टिवेट हो जाएगा। टी सेल्स में टी हेल्पर सेल्स होते हैं, टी मेमोरी सेल्स होते हैं। जो बेसिक वैक्सीन के अंदर होता है उन काम होता है टी मेमोरी सेल्स का, वो इसका एंटीजन का जो आई थी स्ट्रक्चर याद कर लेंगे और उसके बाद वो बॉडी के अंदर मौजूद है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गई हैं। अब अगली दफा जब ओरिजिनल में भी कोई एंटीजन आएगा तो हमारी बॉडी को पता होगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, बॉडी में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज होंगी, तो हमारा इम्यून सिस्टम सबकत ले जाएगा। बेसिकली ये जब वायरस और ये आते हैं, इम्यूनिटी और जो आपकी इम्यूनिटी और एंटीजन की आपस में लड़ाई है कि किसने बॉडी पे पहले कब्जा करना है। तो जब ऑलरेडी एक चीज की वैक्सीन हुई होती है और बॉडी में एक एंटीबॉडीज का टाइटर बन जाता है, और अगर एक अच्छा टाइटर बना हुआ है, तो जब वो इन्फेक्शन आएगा तो एंटीबॉडीज के थ्रू और टी मेमोरी सेल्स के थ्रू उसके ऊपर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन अगर टाइटर जो ऑर्गेनिज्म है, एंटीजन ज्यादा मिकदार में होगी, म्यूटेंट फॉर्म में होगी, उसने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया होगा, तो वो आपके इम्यून सिस्टम पे काबिज हो जाएगी। लेकिन चूंकि कुछ ना कुछ एंटीबॉडीज मौजूद होंगी, कुछ ना कुछ उसका स्ट्रक्चर याद किया होगा, तो जो इन्फेक्शन का लेवल है, जो सिम्टम्स आनी है, जो उसने डैमेज पहुंचाना है, वो कंपैरेटिवली कम होगा उनके मुकाबले में जिनकी बिल्कुल ही वैक्सीन नहीं हुई हुई। ये एक साइंटिफिकली जो है प्रोटोकॉल, कोविड के मामले में भी आपने देखा कि अगर कोविड में दोबारा एंटीजन चेंज होके आया, ओमिक्रॉन बन गया या जिस तरह भी, तो जो उसकी फॉर्म आई उसने अपनी सिम्टम्स माइल्ड दिखाई, लाइफ जो है थ्रेटनिंग काज नहीं बना। तो ये वैक्सीन का होता है, और वैक्सीन गारंटी नहीं होती कि डिजीज नहीं आएगी, बट ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है कि जो बॉडी जो है वो अगर आई भी, अव्वल तो अगर टाइटर नॉर्मल हुआ है एक नॉर्मल पॉपुलेशन में, जिस तरह कोई डिजीज चल रही है तो जिसकी वैक्सीन हुई हुई है वो उस पर काबू पा लेगा, लेकिन अगर टाइटर ज्यादा हुआ तो कंपैरेटिवली लॉस कम होगा। ये जी वैक्सीनेशन की वर्किंग का प्रोसीजर है। आप लोगों ने दोबारा, मैंने आपको एक फाइल भेजी हुई है वैक्सीन की, के हाउ वैक्सीन वर्क, उसके अंदर वैक्सीनेशन शेड्यूल है डिफरेंट एनिमल्स के,
आप लोगों ने वो याद करने हैं। कल का जो हमारा लेक्चर होगा, मैं आप लोगों से वैक्सीनेशन के बारे में और डी वर्मिंग के बारे में, दो चीजों की आपके जिम्मे असाइनमेंट में लगा रहा हूँ कल के लिए। एक वैक्सीनेशन, क्योंकि अब आपके इंटरव्यू करीब है, हम कोशिश करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक को कर लें एक दो दिन में। फिर हम पैरासाइटोलॉजी है वो भी लेक्चर में आपको प्रोवाइड करके उसको भी हम वाइड अप कर लेंगे। कल आप लोग वैक्सीनेशन और डीवर्मिंग, इन दो के ऊपर जो है अपनी कुछ फाइलें मैं प्रोवाइड डीवर्मिंग की कर दूंगा, वैक्सीनेशन की मैंने की हुई है, कुछ मटेरियल आप और सर्च करें। तो बेसिकली हमने डीवर्मर में भी वैक्सीनेशन का तो मैंने बता दिया, आपने शेड्यूल याद करने हैं सारों के, एनिमल्स के, ठीक है, बर्ड्स के भी। इसके अलावा वैक्सीनेशन वर्क कैसे करती है, इसमें कौन कौन से एडजुवेंट यूज होते हैं, इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, ये सारा आपने याद करना है कल के लिए। दूसरा आपने डीवर्मिंग के ऊपर के मार्केट में कौन कौन से डीवर्मर अवेलेबल हैं और डीवर्मर एक्ट कैसे करते हैं। बेसिकली एल्बेंडाजोल ने करना क्या है, जो अंदर जाके पैरासाइट मरना है, जो वो पैरासाइट मरेगा कैसे, खासकर हाउ एवरमेक्टिन वर्क, इसमें ये आप लिख लें अपने पास, खासकर हाउ एवर, क्योंकि फील्ड में ज्यादा एवरमेक्टिन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, हाउ एवर मैक्टिन वर्क। बाकी आपको वो ज्यादा लेवल पे हो जाता है कि सबका ही पता हो एल्बेंडाजोल कैसे काम कर रहा है, लिमेमिसोल कैसे काम कर रहा है, निकोलसामाइड किस तरह काम कर रहा है, या अगर इनके हम मेन मेन ग्रुप देख ले, लैक्टोन ग्रुप एक है और डिफरेंट ग्रुप्स हैं, कोई ट्यूबुलिन को इनहिबिट कर रहा है, कोई पैरालिसिस करा रहा है पैरासाइट का, कोई उसके चैनल को ब्लॉक कर रहा है, डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो अगर वो भी आप देख लें तो ठीक है, वरना बस मोटा मोटा मुझे आप कुछ डीवर्मर्स के बारे में बता देंगे, कुछ डिजीजेस के मुझे स्पेसिफिक डीवर्मर बता देंगे कि लीवर फ्लू के लिए कौन सा डीवर्मर बेस्ट है, स्टमक वाले के लिए कौन सा डीवर्मर बेस्ट है, नीमाटोड के लिए कौन सा डीवर्मर बेस्ट है, कुछ इस तरह की चीजें आप और हम जो मिलके डिस्कस कर लेंगे। और मेन आप ये देखेंगे कि एवरमेक्टिन काम कैसे करता है, थोड़ा सा बता दूं गाबा रिसेप्टर और के ऊपर ये जाके वर्क करता है, और वहां से इसके अलावा कैल्शियम चैनल, ग्लूटामाइड चैनल, उनके ऊपर इसने काम करना होता है जाके। सर जी, आई वांट टू डिफाइन वैक्सीनेशन। आप वैक्सीनेशन को डिफाइन करना चाहते हैं जी, करते हैं। वैक्सीनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग और इनोकुलेटिंग द किल्ड और अटैचमेंटेड फ्रॉम एन इंफेक्शियस एजेंट into the animal body to induce its immunity against a specific disease which is caused by that specific organism. Good. दोबारा से एक दफा repeat करते हैं slow slow करके ताकि बाकी लोगों को भी समझ आए। Vaccination is the process of administering or inoculating the killed or attenuated from an infectious agent into the animal body to induce its immunity against a specific disease which is caused by that specific organism. Very good. Very good. Why Russia attack Ukraine? Russia ne Ukraine ke upar attack kyun kiya? Assalamualaikum sir. Ji walaikum salam. Sir, ye jo live vaccine hoti hai isme hum adjuvant use nahi karte. ठीक है, इसकी सर रीजन, लाइव वैक्सीन में हम एडजुवेंट यूज नहीं करते क्योंकि वो उससे जो है लाइव फॉर्म में है जो वायरस है, बैक्टीरिया है, तो वो उसको एज ए मीडियम यूज कर सकता है फॉर इट्स ग्रोथ। बेसिकली वायरस तो नहीं करेगा, बैक्टीरिया करेगा वायरस को, तो लाइव जो है मीडियम चाहिए होता है कोई ना कोई। अच्छा, अब हम कुछ जनरल नॉलेज को डिस्कस कर लेते हैं। तो जनरल नॉलेज को डिस्कस करने लगे थे तो नदीम खालिद ने एक सवाल कर दिया कि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक क्यों किया। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी ये पूछा जा सकता है आजकल का जैसे सिनेरियो चल रहा है। तो इसमें देखें, ये है कि रशिया जो है किसी जमाने में स्वेत यूनियन कहलाता था, स्वेत यूनियन को अमेरिका ने तोड़ के डिफरेंट पार्ट्स में चेंज कर दिया, 15 कंट्रीज रशिया निकालनी, उन स्वेत यूनियन में से जो मेन कंट्री रशिया निकली वो मेन मानी जाती है रशिया, और बाकी 14 कंट्रीज और निकली, उनमें से एक कंट्री यूक्रेन भी थी, उनमें से एक कंट्री यूक्रेन भी थी।
अब जो इन इलाकों के लोग हैं वो एथनिकली अपनी इंटरेस्ट वाइज, अपनी क्लोथिंग वाइज, चीजों के वाइज सेम हैं, ठीक है। एक तो रशिया ये समझता है कि ये इलाके उसके हैं। सेकंड नंबर पे इधर ही कुछ रीजन थे, दोनबास का रीजन, उसको वहां पे एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है जो ये चाहती थी कि हम रशिया के साथ, जस्ट लाइक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर का एक रीजन है, इसी तरह रशिया और यूक्रेन के दरमियान एक दोनबास का रीजन है, वो दो इलाके हैं। और उधर जो है डिफरेंट लीडर्स हैं जो ये क्लेम करते हैं कि हम रशियन हैं शुरू से, तो हमें रशिया के साथ मिलना चाहिए। ये एक वन साइड ऑफ द स्टोरी। सेकंड साइड ऑफ स्टोरी ये है कि जो यूक्रेन है उनका एक न्यू प्रेसिडेंट आया है जिसका नाम था व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बेसिकली एक कॉमेडियन था, पॉपुलर बंदा था, और उसने कॉमेडियन और डिफरेंट होस्ट वगैरह न्यूज़ चैनल वगैरह से काम करता करता इस तरफ आ गया। इस तरफ आके जब इस तरह के लोग आते हैं जिसका बेसिक काम ये नहीं है तो मुल्क की तबाही की तरफ ही जाना है, बट पॉपुलर इस वक्त पॉपुलर रजाइम है, पॉपुलर लोग सिलेक्ट होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक पॉपुलर लीडर है, वाइट सुप्रीमेसी की बात करता है। अगर हम बात कर लें नरेंद्र मोदी तो वो हिंदुत्वता की बात करता है, एक्सट्रीमिस्ट है, वो एक पॉपुलर लीडर है। इमरान खान की बात कर लें वो भी एक पॉपुलर लीडर है, उसके स्लोगन जो है वो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। इसकी बात भी कर लें व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की तो ये भी एक पॉपुलर लीडर था। पॉपुलर लीडर की समटाइम पॉलिसियां अच्छी भी होती हैं, समटाइम अच्छी नहीं भी होती, वो एक अलहदा क्वेश्चन है। इसकी पॉलिसियां कोई इतनी गुड नहीं निकली। ये बेसिकली ज्वाइन करना चाहता था नेटो को। नेटो क्या बुला है? नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और उन्होंने अमेरिका और कैनेडा के साथ मिलकर, यूरोपियन कंट्रीज ने अमेरिका और कनाडा के साथ मिलकर एक अलायंस बनाया हुआ है 30 मुल्कों का, 28 उसमें से यूरोप के मुल्क हैं और दो मुल्क उसमें अमेरिका और कनाडा हैं। इन्होंने मिलकर एक मिलिट्री अलायंस बनाया हुआ है कि हम में से किसी भी कंट्री पे कोई हमला करेगा तो हम बाकी की कंट्री मिलकर उस कंट्री का डिफेंड करेंगी। इस पॉलिसी के थ्रू यूरोप की जो कंट्रियां ईस्ट में रशिया को बॉर्डर करती हैं, रशिया बेसिकली एशिया और यूरोप दोनों के अंदर आता है, और रशिया का जो बॉर्डर है वो यूरोपियन कंट्रीज को भी लगता है, पोलैंड को, यूक्रेन को, जो है इन कंट्रीज को लगता है ना, बेलारूस को, ये यूरोपियन कंट्रीज है, इनको लगता है जो इसका। अब जो इस वक्त मेन जो इसको कुछ टफ टाइम दे रहा है अमेरिका को, वो या रशिया दे रहा था या चाइना दे रहा था। खैर रशिया उस मुकाबले में नहीं दे रहा जिस मुकाबले में चाइना दे रहा था, लेकिन इनकी आपस में शुरू से काफी टसल है अमेरिका और रशिया की। अब जो ये नेटो अलायंस है 30 कंट्रीज का, ये ईस्ट की तरफ प्रोपागेट कर रहा था, ईस्ट की तरफ, एशिया की तरफ। तो ये मुहाइदे हुए थे कि मजीद नेटो का जो अलायंस है, नेटो अपनी मजीद कंट्रीज को ऐड नहीं करेगा, एशिया की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि ये खतरा पैदा हो जाएगा एशिया की सोवरेनिटी, एशिया में भी खासकर रशिया ये बात कर रहा है कि तुम इस तरफ नहीं आओगे, क्योंकि ये जहां नेटो का अलायंस जाता है वहां पे अपनी ये फौजें क्रिएट कर देते हैं। तो इन्होंने नेटो के अंदर जाने की हामी भरी। व्लादिमीर प्यूटन जो कि रशिया का प्रेसिडेंट है, उसने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन का प्रेसिडेंट है उसको रोका कि तुम नेटो में शमूलियत अख्तियार ना करो। वो नहीं माना, उसने धड़ल्ले से कहा नहीं मैंने तो नेटो में जाना है, और नेटो में शामिल होना ये नहीं है एक मुल्क कह दे मैंने नेटो में शामिल होना है वो कल शामिल हो जाएगा, बड़ा एक लंबा प्रोसेस है। कुछ आपने उसकी नेटो जब बताता है कि ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, इतनी आपकी फौज होनी चाहिए, आपके पास ये वेपन्स होने चाहिए, उनका कंट्रोल ऐसे होना चाहिए, आपने इतना नेटो के लिए फंड देना है, ये करना है, वो करना, वो सारी जो फॉर्मेलिटीज है वो दो दो तीन तीन साल लग जाते हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस बात से बाज नहीं आया। तो नेटो कुछ हद तक, हालांकि नेटो में शामिल नहीं हुआ यूक्रेन, जो रशिया का बॉर्डर है वहां पे अकामुलेशन होना शुरू हो गई नेटो की फोर्सेस ने, रशिया के बॉर्डर पे रशिया ने अपनी फौजों को भी वहां लगाना शुरू कर दिया। मीडिया में ये बात आती रही 2020 में 21 में कि ये मामला बन रहा है और रशिया जो है अपनी फौजें यहाँ पे कर रहा है और इसने यूक्रेन पे हमला कर देना है। रशिया कहता था हमने ऐसा कुछ नहीं करना, लेकिन अमेरिका की जो सर्वेलेंस है एजेंसियां हैं वो कहती थी कि ये जो है ना यहाँ पे तकरीबन 1,00,000 फौजी डिप्यूट हो चुका है रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर। जहरी बात है ऊपर से सैटेलाइट वगैरह भी देख रहे होते हैं, और ये डिप्यूट करता रहा, इसने 1,00,000 से ज्यादा फौजी अपने डिप्यूट कर दिए इस बॉर्डर पे। दूसरी तरफ कुछ नेटो की फोर्सेज डिप्यूट हो गई,
और आखिरकार 24 फरवरी 2022 को रशिया ने हमला कर दिया यूक्रेन के ऊपर। और ये वो मुबारक दिन था जिस दिन हमारे खान साहब जो है वो रशिया के दौरे पे गए हुए थे। एक प्री प्लान होता है सफारती तल्लुकात की बेस पे कि जाना था, अब वो जाने ही जाना था उन्होंने, और उससे 23 फरवरी को वो पहुंचे थे और 24 फरवरी को जो है वो ये लड़ाई स्टार्ट होगी। हम तो बेसिकली उनसे गंदुम शंदुम लेने गए थे। रशिया और यूक्रेन गंदुम के हवाले से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट कंट्रीज को वो भेजते हैं और हम तो अमदाद ही लेते हैं ज्यादातर। तो खैर ये लड़ाई स्टार्ट होगी। अब जो है इसने आवाज दी नेटो को कि मेरा दिल ये पुकारे ये सनम तू आजा। तो नेटो ने कहा कि भाई तू हमारा मेंबर तो है ही नहीं, हम तो सिर्फ 30 कंट्रीज की ऊपर जब कोई हमला करता है, जब हम में से कोई 30 कंट्री के ऊपर हमला करता है तो हम उसको डिफेंड करते हैं, हमारे रूल रेगुलेशन में यही शामिल है। स्टोलनबर्ग इनका जो है वो मेन था प्रेसिडेंट स्टोलनबर्ग, तो उसने कहा नहीं जी हमने तुम्हारी हिफाजत के लिए नहीं आना, हम तो बेसिकली उन कंट्रीज को ही डिफेंड करते हैं जो नेटो का हिस्सा है। तो फिर रशिया ने फुल फ्लेज इस पे वार चला दी। अलबत्ता नेटो अमेरिका डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज जो है असला वगैरह फौजी वगैरह लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड जरूर कर रहे हैं यूक्रेन को, और यूक्रेन अभी तक इस लड़ाई को सस्टेन किया हुआ है। 8-9 महीने हो गए हैं जो कि लग रहा था कि ये जल्दी हार जाएंगे। यूक्रेन ने एक जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की उनका प्रेसिडेंट है उसने एक अच्छा फिम डिटर्मिनेशन दिखाया है और उन्होंने अच्छा टफ टाइम दिया है रशिया को। ये एक कंप्रीहेंसिव और बड़ा जवाब है जो इस क्वेश्चन का है। बाकी वो आपको जितना टाइम दें उसके हवाले से आपने चीजों को एडजस्ट करना होता है। सर वो एरिया काइंडली दोबारा बता दें जो आप कह रहे थे कि डिस्प्यूटेड है जहां सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही थी। डोनबास DONBAS DONBAS डोनबास। थैंक यू सो मच। अगर आप थोड़ा सा और मजीद स्टडी करेंगे तो आपको इसमें पता चलेगा कि इसके अंदर मजीद दो एरियाज हैं और उधर के जो इसने यहाँ पे उन एरियाज के अलहदा मुल्क भी डिक्लेयर कर दिए, वहां पे अपने लगा के नुमाइंदे उनको अलहदा मुल्क भी डिक्लेयर कर दिया रशिया ने डोनबास रीजन्स को। जी और कोई क्वेश्चन कोई करंट अफेयर के हवाले से कोई और मसला बताए। ईरान और अफगानिस्तान के आपस के ताल्लुकात पे थोड़ी सी नजर दोहरा दें। ईरान और अफगानिस्तान के हाँ जी सर ये ईरान और अफगानिस्तान दोनों जो हैं, ईरान पे जो गवर्नमेंट है वो है अब तालिबान की, ठीक है, और ईरान जो है वो गवर्नमेंट है शिया गवर्नमेंट, और वहां जो रिप्रेजेंट करते हैं उनका सदर जो है उनका नाम है इब्राहिम रईसी, और उनके जो रिलीजियस मेन खलीफा कह लें आप या रिलीजियस जो लीडर हैं वो हैं अली खामेनाई। बेसिकली इनका जो तल्लुक है वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता रहा है क्योंकि अफगानिस्तान की जो नेचर है वो चेंज होती रही। वहां पे पहले अशरफ गनी की गवर्नमेंट आ गई थी जो कि अमेरिकन बेस्ड थी, अमेरिकन सपोर्टेड थी, और अमेरिका इज अगेंस्ट द ईरान, ईरान के अगेंस्ट है क्योंकि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहे हैं। अब जो है गवर्नमेंट वो आ गई है तालिबान की इस तरफ गवर्नमेंट तालिबान की, और उसका जो साथ ईरान है उधर गवर्नमेंट हो गई शिया गवर्नमेंट जो काफी अरसे सस्टेन है जो कि अमेरिका के अगेंस्ट है। अब दोनों ये जो रीजन हैं अफगानिस्तान और ईरान दोनों की पॉलिसी अमेरिका को बुरी नजर से ही देखना है, तो अब इनके ताल्लुकात कुछ बेहतरी की तरफ हैं, बट अंदर कुछ ऐसे ग्रुप्स आ जाते हैं जो दोनों तरफ लड़ाई लगाई रखते हैं, खासकर इस्लामिक जो है कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आईएसआईएस है, दाइश जिसको बोलते हैं, ठीक है, कुछ फ्रैक्शंस हैं तालिबान के डिफरेंट टाइप के, वो आपस में थोड़ी बहुत स्किर्मिशेस करते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल तालिबान और जो ईरान है उनका एक जो नेचर है वो आपस में कोऑपरेशन की नेचर है, ठीक है। थैंक यू सर। और कुछ सर, ये एक भाई ने आज वो रिपोर्ट हाउ टू रिपोर्ट अ डिजीज शेयर किया था, तो उसमें सर वो कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा, उसकी कुछ समझ नहीं आई सर। काइंडली अगर आप उसे एक दफा नजर से देख के बाद में उधर बेशक वॉइस नोट कर दीजिएगा ग्रुप में।
ये चले मुझे कल याद कराएगा हाउ टू रिपोर्ट ए डिजीज और वो उस नोटिफिकेशन के मुताबिक। ये भाई ने ग्रुप में शेयर किया था सर आज। हाँ वो मैंने वो काफी सारे यार ग्रुप में, वो बात नहीं, मैं चले उसको एक दफा से रीड करके कल जो है आपको बता दूंगा मजीद। थैंक यू सर। सी पेक डिले क्यों हो रहा है? हाँ सी पेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये बेसिकली एक जो है चाइना का प्रोजेक्ट है जो कि उनके न्यू प्रेसिडेंट जब आए शी जिनपिंग 2013 में, तो उन्होंने एक अपना पेश किया कि मैं सारी दुनिया की कंट्रीज को आपस में मिलाना चाहता हूँ। वो जो उनका ब्रेन चाइल्ड प्रोजेक्ट था उसको कहते हैं अबोर, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। मैं थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट लेके आपको समझा रहा हूँ कि जिन लोगों को नहीं पता उनको ये चीज समझ आ जाए। इसका टू लाइनर थ्री लाइनर जवाब आपने देना है तो उसके अंदर आप इसको तो फिर इंटरव्यू में तो ऐसे ही एड्रेस करेंगे ना, जी ये डिले हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है जो है, बार बार गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, सेकंड नंबर पे टेररिज्म हो रहा है, कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो इनके ऊपर हमले हो जाते हैं, जैसे कराची यूनिवर्सिटी के बाद चाइनीज के ऊपर हमला हुआ उसकी भी रीजन है, पाकिस्तान की इकॉनमी डिस्टेबल है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। बस आपने टू थ्री लाइनर जवाब देना होता है वहां पे, लेकिन ताकि क्वेश्चन हुआ है बाकियों को इसका सी पैक का टोटल बैकग्राउंड समझ आ जाए तो मैं जरा पीछे से स्टार्ट लेता हूँ। इतनी पीछे से आपने स्टार्ट नहीं लेना जैसे शोएब अख्तर बॉलिंग कराता था, इतना टाइम वो आपको नहीं देंगे। सी पैक क्यों डिले हो रहा है, इसका जवाब जस्ट यही होगा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बार बार गवर्नमेंट चेंज होती जा रही है, चाइनीज जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट लेवल है वो डीमोटिवेट होते हैं। पाकिस्तान के अंदर टीटीपी ग्रुप जो है वो तरीके तालमन पाकिस्तान डिफरेंट जगह पे धमाके करा रहा है, कुछ जगह पे आईएस दाइश धमाके करा रहा है, चाइनीज की जो सिक्योरिटी है उसको भी अब प्रॉब्लम है। बस ये दो तीन लाइनर जवाब देंगे। रशिया ने यूक्रेन पे अटैक क्यों किया, इसका जवाब होगा यूक्रेन जाना चाहता था नेटो के अंदर, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन में, रशिया इस चीज से उसको मना कर रहा था कि तुमने उसके अंदर नहीं जाना। और दूसरी रीजन एक वहां पे रीजन है डोनबास का रीजन जो कि एक डिस्प्यूटेड रीजन है इन दोनों के दरमियान, इन दोनों चीजों ने फ्लेयर अप लड़ाई किया और रशिया ने जो है वो उसके ऊपर अटैक कर दिया। इतने इतने जवाब देने हैं, वहां वो आपके साथ लंबी डिस्कशन के मूड में नहीं होंगे, आपका टेक्निकल किस्म का इंटरव्यू है, सीएसएस पीएमएस या साइड हो ना जनरल नॉलेज वाली, फिर वो लंबी डिस्कशन के मूड में फिर चाहे आप जैसे मैं आपको लंबा लंबा बता रहा हूँ उस तरह बता सकते हैं। सीपेक डिले होने की वजह ये है कि जी स्टार्ट हुआ 2015 में, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ जो ऑफिशियली इसका स्टार्ट होता है 2015 में, और ये इसके अंदर काफी सारे प्रोजेक्ट थे। अब ये चूंकि स्टार्ट हुआ था पीएमएलएम के दौर में 2015 के अंदर, तो उसके अंदर काफी सारे मुहिदे थे जिनके ऊपर वर्किंग थी, एहसन इकबाल इसका चेयरमैन था उस टाइम पे अथॉरिटी का, उसके बाद कुछ इसके ऊपर वर्क एनर्जी क्राइसिस वगैरह तो हमारे पूरे हो गए, फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई। गवर्नमेंट चेंज हुई तो जब गवर्नमेंट चेंज हुई उसके अंदर पौधे वगैरह कुछ जो है आर्मी को भी दिया गया, जो आसिम बाजवा साहब हैं पापा जीनो वाले उनको भी दिया गया, और फिर उन्होंने चीजों को अपने हिसाब से देखा, उन्होंने कहा नहीं जी पीछे जो प्रोजेक्ट चले हैं उसके अंदर पिछली गवर्नमेंट ने अपने चीजों को मद्देनजर रखा हुआ है, अपने उसके अंदर इनके किकबैक्स एंड कमीशंस हैं, हम चीजों को दोबारा से रिवाइज करेंगे। अब चाइना का ये हेडेक नहीं है कि यहाँ पे जो है इमरान खान है या नवाज शरीफ है या जरदारी है, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स वहां तो लाइफ लॉन्ग लीडर, अभी तक उनके टोटल 5 लीडर चेंज हुए हैं चाइना पाकिस्तान से, 2 साल बाद बने, 1949 में बने, टोटल सिर्फ 5 लीडर चेंज हुए हैं वहां पे, और शी जिनपिंग भी लाइफ लॉन्ग उनका लीडर है। ये तो पाकिस्तान में 23 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए, शहबाज शरीफ 23वां प्राइम मिनिस्टर है, 13 प्रेजिडेंट चेंज हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा आर्मी चीफ्स के दौर अलहदा है, 20 साल ऐसे रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई प्राइम मिनिस्टर ही नहीं रहा, पीछे 55 सालों में 23 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए हैं, तो ये उनके लिए मसला नहीं है। यहाँ अब गवर्नमेंट चेंज हुई, वो अदम उनका इस काम आ जाता है, वो कहते हैं जी पॉलिसीज के ऊपर शक की नगाह देखने लग जाते हैं, पॉलिसी को रिवाइज करना चाहते हैं, चीजों को दोबारा से देखना चाहते हैं, चीजें रुक जाती हैं। कोविड आ गया, वो भी एक मसला बन गया, सैलाब आ गया, वो भी एक मसला बन गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, वो भी एक मसला बन जाता है। तो ये सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से फिर दोबारा पीडीएम की गवर्नमेंट आ गई, फिर ये आ गए हैं शहबाज शरीफ वगैरह दरमियान में, मतलब गवर्नमेंट रही इमरान खान की, उसमें भी सी पैक की प्रोग्रेस बहुत ज्यादा स्लो हो गई थी ड्यू टू दीज रीजंस, के वो कहते थे कि पुराने प्रोजेक्ट्स को रिवाइज किया जाए, उसके अंदर कमीशन कुछ है, इन सड़कों को इस तरह से कर दिया जाए फलां को। तो चाइना के लिए ये प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पे क्या गवर्नमेंट है, ये हम पाकिस्तानियों के लिए मरने मुरने का मुकाम आ जाता है, तू नून लिगी है, तू जो है यूथिया है, तू पटवारी है,
उनको इन चीजों से गर्ज नहीं है, जिसकी वजह से हमारे मामला जो है वो स्लो हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है काफी है आज के लिए, है नहीं सर? वो मोदी का बड़ा फेमस एक स्पीच है ना, जिसमें वो कहता है कि मैंने सब नेताओं से बात की, हाँ, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि पाकिस्तान में बात किससे करनी है, प्राइम मिनिस्टर से, एसआईए से, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से वो बिल्कुल, मैंने उसकी सुनी थी नरेंद्र मोदी की, उसने बिल्कुल सही पॉइंट, हालांकि नरेंद्र मोदी की उसके अंदर इंडिया ने तरक्की बहुत की है, हम जो मर्जी उसको कही जाए फास्टेस्ट लीडर है, ये है वो है, ये बड़े लंबी डिस्कशन हो जाएगी, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया की नजर में, ठीक है, दुनिया की नजर में एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में हम थे, इसका मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फॉर मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग हम पे कर रही है। कश्मीर इशू में भी दुनिया में पाकिस्तान गलत है, पाकिस्तानी कश्मीर को पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है, ये बहुत लंबी बहस है। खैर किस्सा मुख्तसर ये है कि इंडिया को वो बहुत आगे ले गया, दुनिया की पांचवें नंबर की बड़ी इकॉनमी वो बना गया है। तो उसने ये बड़ी अच्छी बात की थी कि जो है कि मैंने दुनिया के डिफरेंट नेताओं से बात की है, रहनुमाओं से, उससे पाकिस्तान से मतलब किसी ने सवाल किया तो उसने कहा हमें आज तक बाकी लीडरों से भी बात की है, यही समझ नहीं आता कि पीस के मामले में, किसी प्रोजेक्ट के मामले में बात किससे करनी है, इनके प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है या आर्मी चीफ से बात करनी है। कहता प्राइम मिनिस्टर से बात चले तो पता चलता है आर्मी चीफ ने फैसले करने हैं, आर्मी चीफ से बात करें तो वो पॉलिटिशियन जिनसे मुहाइदे होने होते हैं वो चेंज हो गए होते हैं, हुकूमतें चेंज हो जाती हैं, तो हम बात किससे करें? Sir, India has 20% of the world market, therefore 1.44 billion. दुनिया को इस चीज से गर्ज है कि 20% ऑफ मार्केट जो है किसी भी चीज के लिए वो इंडिया है, दुनिया को इस चीज से कंसर्न है, उन्हें क्या पाकिस्तान क्या इंडिया क्या कश्मीर क्या। इंडिया की आई टी इंडस्ट्री इतनी डेवलप कर गई है कि पाकिस्तान टोटल $3.5 billion की ट्रेड करता है थ्रू फ्रीलांसिंग और ये जो हम सुनते हैं अमेज़न और ये बाकी सारे मामला। इंडिया की जो ट्रेड है थ्रू आईटी इंडस्ट्री $350 billion है, सिर्फ एक आईटी इंडस्ट्री से $350 billion, जो कि टोटल पाकिस्तान की जीडीपी के बराबर है। टोटल पाकिस्तान की जीडीपी $350 billion की होगी, जो वो सिर्फ एक इंडस्ट्री से कमा रहा है, और पाकिस्तान उसमें 3.5, देखें 3.5 10 गुना होता 35 होता, $350 billion बहुत गैप है, हमारी हर चीज में बहुत ज्यादा गैप है। चले मेरा ख्याल है काफी है, वो दूसरा लेक्चर मेरा स्टार्ट होने वाला है। थैंक यू सर, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।